अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम सब भी ठीक ठाक है। आज मेरा बेटा है ना उधर हॉस्टल से वापस, तो वो कहता है मामा जी मेरे लिए पुलाव बनाओ। तो मेरा बहुत दिल कर रहा है पुलाव खाने का। सर्दी भी बहुत हो रही थी, बारिश थी, बाहर बहुत जालाबारी भी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं पुलाव बना देती हूँ। टाइम थोड़ा था तो मैंने फटोफट सारा कुछ डाला। मैंने कहा ये वो वाला पुलाव बनाती हूँ जो 10-15 मिनट में तैयार हो जाएगा। मैंने ऑयल डाला, ऑयल में मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का काट के डाल दिया, उसको मैंने ब्राउन किया। तो उसमें मैंने साथ ही डाल दिए टमाटर और लहसुन की 2 चम्मच लहसुन अच्छे से कूट के वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। तो टमाटर डाल के फिर उसको मैंने 5 मिनट तक भून लिया टमाटर को, ताकि वो टमाटर मैंने मोटे मोटे काटे थे ना, ताकि वो जल्दी जल्दी से गल जाएं। तो क्योंकि बेटे को भूख लगी हुई थी, वो पिंडी से वापस आया था, रास्ते में उसने कुछ भी नहीं खाया, तबीयत ख़राब हो जाती है ना, इसलिए उसने कुछ भी नहीं खाया था। तो फिर मैंने इसमें डाल दी 2 चम्मच बिरयानी मसाला, कोई से भी ब्रांड का बिरयानी मसाला ले सकते हो। मैंने जो पैकेट वाला बिरयानी मसाला डाल दिया है 2 चम्मच। तो मैंने ज़्यादा तीखी नहीं बनानी ना पुलाव, तो मैंने कहा कि हल्के से मसाले रख के इसको मैं बना देती हूँ। बहुत तरह का पुलाव बनता है, पर मैं जब जल्दी बनाना हो तो ऐसे फटोफट मैं चीज़ें डालती हूँ। इसमें मैंने 1/2 चम्मच दड़ा मिर्च डाली है, 2 चम्मच नमक की डाली है और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया इसमें। तो इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए और मज़ीद मसालों को भून लेना है। अब इसमें मैंने चिकन डाल दिए, ये तकरीबन 1.5 किलो चिकन था मेरे पास, 1 किलो चावल थे और 1.5 किलो मैंने चिकन डाले, चिकन थोड़ा सा ज़्यादा डाला था। तो अब इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, 4-5 मिनट तक तेज़ आंच पे मैंने भून लिया इसको। अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दिया करो ना, कि उसके उससे ऐसा होता है ना कि मेरी जो नई आने वाली वीडियो है ना वो आपको बर वक्त मिल जाएगी। तो अब इसमें मैंने 8 प्याली पानी शामिल किए, 4 प्याली मैंने चावल डाले हैं, तो 8 प्याली मैंने पानी शामिल किया है। अब इसको मैं अच्छे से उबाल लूँगी। जब ये अच्छे से उबल जाएगा फिर हम इसमें चावल डालेंगे। तो अब इसमें मैंने 1/2 चम्मच काली मिर्च डाली है, काली मिर्च की खुशबू मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं डाल देती हूँ साथ ही। आज इसमें हरी मिर्च वगैरह मैं कुछ भी नहीं शामिल करूँगी, क्योंकि एक तो मेरा बच्चा सफ़र से वापस आए ना, तो फिर वो ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें उसको नहीं दूँगी। तो पानी अच्छे से उबल गया, अब मैंने 4 प्याली चावल भिगो के रखा था वो इसमें मैं शामिल कर लेती हूँ। 5 मिनट तक इसको मैं डांप दूंगी। 5 मिनट के बाद हमारा चावल जो है वो अच्छे से उबल गया। इसमें बहुत ज़्यादा चमचम मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती ना, क्योंकि ये पानी खुश्क होएगा साथ साथ ही चावल भी गल जाएगा और चिकन भी पक जाएगा अच्छे से। अब इसमें मैंने 2 मुट्ठी भर के डाल दिए है धनिया। धनिया की खुशबू भी इस पुलाव में बहुत मज़े की लगती है। अब इसमें से पानी जब खुश्क हो जाएगा ना तो फिर हम इसको दम पे लगा देगा। तकरीबन 10 मिनट में इसको दम पे लगा देती हूँ, तो उससे ये इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगेगी। ये देखिए हमारे चावलों को दम लग चुका है। अब मैं इसको डिश में डालती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें बहुत मज़ेदार किस्म का हमारा पुलाव तैयार हो गया है। इसको डिश में डालती हूँ, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का मेरा पुलाव तैयार हुआ है। आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। इसको मैंने एक टमाटर के फूल से और थोड़े से हरा धनिया लिए, उसके साथ मैंने इसको डेकोरेट कर दिए। तो आप चाहें तो सलाद से, खीरे से, किसी भी चीज़ से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। देखें कितने अच्छी मेरा पुलाव। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।